हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक पॉइंट पे। दोस्तों, वक्त के मैनेजमेंट ना होने की वजह से मैं जो कॉमेडी का एक्ट जो मैं पहले अभी आपके लिए कुछ वीडियो से ला रहा हूँ ये इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा और आगे के उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे के वीडियो में आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड पी के बारे में। जैसे कि अभी फिलहाल जो है वो गूगल का IO 2018 डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा है और जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स यहाँ पर जो है वो गूगल की तरफ से निकल कर आए हैं, जिसमें जो है एंड्रॉयड पी के बारे में भी यहाँ पर कंपनी ने काफी बताया है। एंड्रॉयड पी जो है ये गूगल का आगे आने वाला एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि फिलहाल अभी हम जो है वो ओरियो यूज कर रहे हैं, तो ओरियो के आगे जो फिलहाल अभी कंपनी ने निकाला है वर्जन है उसका 9.0। तो नॉर्मली यहाँ पर इसे पी कहा जा रहा है, एंड्रॉयड पी। और पी के बारे में फिलहाल अभी जो है इसे पर्दा उठाया ही नहीं गया है। पी जो है वो काफी दिनों से सुनने में आ रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर पी क्या है, एक्चुअल में ये पी क्या हो सकता है, ये पी क्या है, ये पेड़ा क्या है, ये पाइनएप्पल या है पप्पू। तो नॉर्मली यहाँ पर पी जो है ये सस्पेंस अभी तक के। और फिलहाल जो है अगस्त के एंडिंग में कंपनी की तरफ से बोला गया है कि अगस्त के एंडिंग में जस्ट ये पी जो है वो हैंडसेट्स के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल कंपनी ने जो है वो बीटा फॉर्म में से लॉन्च किया है और कुछ वर्जन के लिए जैसे पिक्सल 2 के लिए यहाँ पर कंपनी ने इसके लिए बीटा बीटा को अलाउ किया है, यानी पिक्सल 2 के जो जो हैंडसेट्स है और सोनी के और नोकिया के उनके कुछ डिवाइसेस के अंदर जो है वो एंड्रॉयड पी का बीटा वर्जन जो है वो डाउनलोड करके हम उसको चेक कर सकते है, बीटा है यानी अंडर टेस्टिंग है, कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगस्त के कंपनी ने बोला है कि अपकमिंग जो आ रहा है अगस्त हमारा, तो नॉर्मली वहां तक के आ जाएगा कंपनी के कहने के मुताबिक। दोस्तों यहां पर कुछ अपडेट्स यहां पर निकल कर आए हैं, कंपनी ने बोला है कि क्या चेंजेस एंड्रॉइड पी के अंदर जो है वो कंसीडरेबल है, क्या आएंगे फीचर। तो नॉर्मली यहां पर बहुत स्मार्टली यहाँ पर कंपनी ने जो है कुछ फीचर्स के अंदर जो है लाए है, जो बैक जो हम पास्ट टाइम अगर बात करें कुछ प्रॉब्लम्स की तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है कंपनी ने एंड्रॉयड पी में ट्राई किया है। जैसे यहाँ पर फिलहाल काफी सालों से हम बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम जो है वो फेस करते आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है मेजर तो प्रॉब्लम वही है और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा कहीं पर अगर हम कहीं पर इंगेज हो जाते हैं काफी सारे वक्त में, एक लॉन्ग पीरियड के अंदर एक ही एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो डिवाइस हमें इन्फॉर्म करेगा कि आप एक एक्टिविटी इस एप्लीकेशन को काफी देर तक के आपने यूज किया है, कि आपको इसके लिए टाइमिंग सेट करना है। तो ऐसे कुछ फीचर जो है वो कंपनी ने लाया है। पहला इसके अंदर जो फीचर कंपनी ने बताया है एंड्रॉइड पी के लिए वो है अडेप्टिव बैटरी फीचर। अडेप्टिव बैटरी फीचर जो है ये काफी बेस्ट फीचर है जो बैटरी सेविंग के लिए कंपनी ने हमारे लिए लाया है। यानी नॉर्मली यहाँ पर होगा क्या कि जो एप्लीकेशंस जो हमें रेगुलरली लगते हैं, ज्यादातर जो लगते हैं उनको एप्लीकेशन उन एप्लीकेशन को जो बैटरी लाइफ जो लगने वाली है वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज होने वाली है। और जितने एप्लीकेशन जो हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर भी बैटरी का जो है वो फीचर होता है, अभी भी हम बैटरी का स्टेटस जो हम जो रनिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड का उसके अंदर हम चेक कर ही पाते हैं कि कहां पर कितना बैटरी का कंजम्पशन जो वो हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो है यहां पर हम इसके अंदर ये भी देख पाएंगे कि कितने आवर्स का उसके अंदर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो हमें एप्लीकेशन रेगुलरली लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, उनके अलावा जो एप्लीकेशन बच जाते हैं, तो नॉर्मली कंपनी ने बोला है कि यहाँ पर इनके इनके लिए जो जो आपके स्टेबल मतलब आपने इंस्टॉल तो करके रखा है लेकिन कहीं पर उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो नॉर्मली यहाँ पर ऐसे में फिर उन एप्लीकेशन के लिए जो है वो कुछ ऐसी जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर लाया गया है कि उनकी वजह से हमारा बैटरी बैकअप जो है वो काफी जो है वो बच जाएगा, वहां पर हमारा बैटरी जो है वो बैटरी लाइफ वहां नहीं लगेगा कहने के मतलब। तो ये एक फीचर जो है काफी अच्छा है जो ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन को मैनेज करेगा बैटरी बैकअप को इंक्रीज करने के लिए। वैसे यहां पर अडैप्टिव ब्राइटनेस करके एक ऑप्शन यहां पर कंपनी ने लाया है, यानी अगर आपने देखा होगा बैटरी का स्टेटस अगर आप आपके सेटिंग के अंदर जाकर आप चेक करते हो तो मैक्सिमम टाइमिंग हमारा ऑलमोस्ट जो है ज्यादातर जो है आपको मिलेगा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जितना बैटरी बैकअप हमारा खर्च होता है वो किसी भी एप्लीकेशन में नहीं होता, और होगा भी क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी को आप कर रहे हो, तो आपका डिस्प्ले यूज किए बिना आप उसे कैसे क्या कर सकते हो। तो जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि कहाँ कहाँ हमारी बैटरी जो है वो ज्यादा लगती है, कैसे लगती। तो नॉर्मली ये एक तरीके का हार्डवेयर होता है जो हमारा डिस्प्ले है, तो उसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मली यहाँ पर ज्यादातर बैकअप जो है हमारा वही बैटरी बैकअप जो हमारा वही
ही स्पेंड होता है। तो कंपनी ने इसमें भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो किया है, अडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर यहाँ पर कंपनी ने लाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो जहाँ जितनी ब्राइटनेस हम यूज कर रहे हैं वो उसको रिमेंबर करेगा, और फिर ऑटोमेटिकली अगली बार उस एप्लीकेशन या उस एक्टिविटी को करने पर वही ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली सेट करके हमें वो देगा। तो ये काफी अच्छा फीचर जो है ये कंपनी ने लाया है, जिसकी वजह से हमारा बैटरी बैकअप डेफिनेटली जो वो जो है वो इंक्रीज होगा, और काफी काफी हद तक के जो हम अच्छी तरीके से हम हमारे एंड्रॉइड को एक बार चार्ज करने पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला जो यहाँ पर फीचर कंपनी ने लाया है, ये हम पर्टिकुलर टाइमिंग एक सेट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर, यानी जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर या तो फिर कोई ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास वीडियो प्लेयर है उसके अंदर कोई आप मूवी देख रहे हो, काफी टाइम अगर आपने उसके अंदर स्पेंड किया है बहुत एक लॉन्ग टाइम, तो आपको सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपने इसके ऊपर जो है वो काफी वक्त जो है वो स्पेंड किया है या आपने लॉन्ग टाइम इसको देखा है, तो आप बीच में ब्रेक ले लीजिए या फिर इसके लिए आप एक टाइम सेट कर लीजिए। तो ये जो है वो यहाँ पर ऐप के लिए जो है वो बैटरी सॉरी ऐप के लिए जो है यहाँ पर टाइमिंग सेट करने के लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा फीचर जो हमें दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर स्मार्ट यूज यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर बनाया है, जैसे कि अगर बात की जाए कि हमारे जो भी हार्डवेयर होते हैं जो भी हमारे बटन्स होते हैं नॉर्मली, जैसे पावर ऑफ ऑन ऑफ का बटन होता है और वॉल्यूम का बटन होता है आमतौर पे, और होम स्क्रीन होम का जो बटन होता है वो कहीं पर किसी डिवाइस में होता है कहीं पर नहीं होता है, तो नॉर्मली जो हम होम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली जितने भी हमारे जो हार्ड बटन्स है तो उनको फिलहाल जो है कितना कम हम इस्तेमाल कर पाए, ऐसे कंपनी ने यहाँ पर किया है। जो यहाँ पर स्मार्ट यूज इसके लिए कहा गया है कि आप नॉर्मली होम बटन पर जाना होता है तो होम स्क्रीन पर जाना होता है तो हम बटन को प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंजम होता है, बैटरी बैकअप हमारा उसको लगता है, नॉर्मली अगर हम उसको ऑन स्क्रीन यूज करेंगे तो भी लगेगा लेकिन उसके मुकाबले में कम लगेगा। तो नॉर्मली कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि आप होम बटन को आप एक बार टच करोगे एक बार प्रेस करोगे तो आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे, ऐसे लॉन्ग प्रेस अगर आप इसको करोगे तो जैसे आमतौर पर अभी भी होता ही है कुछ हैंडसेट्स के अंदर, मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ओप्पो का F1S है तो मैं भी यूज कर रहा हूँ उसको, तो नॉर्मली अगर हम होम बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो गूगल ओपन हो जाता है, गूगल जो होता है गूगल का ऐप नॉर्मली वहां पर हम वेरियस कमांड्स जो है वो दे सकते हैं, तो ये भी एक फीचर अच्छा कंपनी ने यहां पर हमारे लिए लाया है। अगला जो फीचर है ये है नोटिफिकेशन, स्मार्टर नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है करके एप्लीकेशन के अंदर जो एंड्रॉइड के अंदर आने वाला है। नॉर्मली यहाँ पर ये कैसा सेक्शन होगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हमें आते हैं हमारे नोटिफिकेशन बार में, तो नॉर्मली वहाँ पर जो है कहीं पर इसे ऑफ करने का बटन तो नहीं होता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर एक्टिव होंगे यानी टेक पॉइंट पे, तो आपको पता होगा कि इससे पहले ये वीडियो से पहले का जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन पर बना है, वहां पर मैंने आपको बताया है कि नोटिफिकेशन को किस तरीके से हमें ऑफ करना है, जो हमें बार बार नोटिफिकेशन आते किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से तो उसको गूगल क्रोम के अंदर कैसे सेटिंग करके उसे ऑफ करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो यहां पर फिलहाल जो कंपनी ने इसी चीज का सलूशन हमें हमारे मोबाइल के अंदर दिया है, यानी अगर आप आपके अगर आप नोटिफिकेशन अगर आप देख रहे हो तो उसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बार में आपको जो है वहां पर उसे ऑफ करने का बटन भी जो वो दिया रहेगा, यानी अगर आप काफी जो है इरिटेट अगर हो रहे हैं नोटिफिकेशन से तो आप यहां पर इसे बंद कर दीजिए, तो ये भी एक अच्छा फीचर है, काफी से बैटरी बैकअप हमारा बच जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारा बार बार नोटिफिकेशन अगर आ रहे हैं तो हमारा बेल बजता है, मोबाइल की रिंगटोन जो है वो मैसेज के वो प्ले होती है, वाइब्रेशन होता है, तो नॉर्मल इसकी वजह से भी हमारा बैटरी बैकअप जाता है। इसको भी ध्यान में रखकर जो कंपनी ने यहाँ पर एक नया जो है स्मार्टर नोटिफिकेशन फीचर जो है वो हमारे लिए लाया है। उसी तरीके से यहाँ पर इजीली हम जो है हमारे एप्लीकेशंस को स्वाइप करके स्विच कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो होम स्क्रीन का बटन होता है अलग अलग हैंडसेट में अलग होता है, जैसे अगर मैं अपने हैंडसेट की ओप्पो F1S की बात करूं तो जो लेफ्ट साइड में बटन है नॉर्मली जो इनबिल्ड होता है, तो नॉर्मली वहां टाइप करने पर जो है जितने भी रिसेंट एप्लीकेशन मैंने यूज किए हैं जो एप्लीकेशन यूज किए वो रिसेंट एप्स जो है वहां पर हमें नजर आते हैं, फिर उसको हम जो है वो टॉगल कर लेते हैं वहां से किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे पर स्विच हम कर लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर कंपनी ने एंड्रॉइड पी के अंदर ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर रखा है कि आप इजिली उसको मतलब स्मार्ट डिस्टेंस जो है जैसे होते हैं यहाँ पर के ऑफ स्क्रीन जैसे होते हैं वैसे यहाँ पर आपके मोबाइल पे आप जो होम बटन होता है उसको अगर आप स्वाइप करते हो नॉर्मली तो स्वाइप करने पर जो है एप्लीकेशन आपके डायरेक्टली जो है वो स्विच हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा फीचर जो है वो कंपनी ने यहाँ पर लाने के लिए जो है वो अनाउंस किया है। अगला जो फीचर यहाँ पर कंपनी ने एंड्रॉइड पी के अंदर बोला है
वो है डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर। दोस्तों ये फीचर हम जो है वो काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी जो है हम हैंडसेट के अंदर देखते ही है कि इसके अंदर जो जो इनबिल्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओप्पो की बात की जाए तो कलर ओएस है, तो नॉर्मली यहाँ पर इसके अंदर जो है हमें सहूलत होती है कि आप डू नॉट डिस्टर्ब, यानी अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और कुछ वक्त पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर जो है वो ऑन हो जाए, तो आप यहाँ पर इसमें सेट कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर नंबर से आपको मैसेज ना आए, कोई वो आपको कॉल ना करे, या फिर आप आपके सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट को जो है वो कॉल करे, या आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट है उसको आप कॉल करे, या अननोन कॉल एक्सेप्ट करे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाए, तो ऐसा भी डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर जो है वो कंपनी ने लाया है। इस पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, टाइमिंग सेट करने के बाद जो इस पर्टिकुलर टाइमिंग एंड होने के बाद आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा और पहले की तरह सारे ही कॉल्स और नोटिफिकेशन वगैरह वो जो आसानी से ले सकेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और भी कुछ बारीकी है इसके अंदर, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये फिलहाल अभी बीटा फॉर्म में है और जल्दी ही ये नॉर्मल स्टेबल वर्जन के अंदर आ जाएगा, तो और भी कुछ फीचर्स जो है वो निकल कर आएंगे, तो दोस्तों तभी हम उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले एंड्रॉयड के वर्जन 9.0 एंड्रॉइड पी की। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी टेक पॉइंट को, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।